नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। जी हाँ, पेश हैं 25 नवंबर और सोमवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नए सीएम का होगा ऐलान। मायावती ने सीएम और दो डिप्टी सीएम का बनाया फॉर्मूला। आज महाराष्ट्र के नए सीएम का ऐलान होगा क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में इससे पहले सरकार का गठन न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ और अजीत पवार आज दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ मीटिंग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एक सीएम और दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है। वहीं इधर आपको बता दें कि हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। जेएमएम ने विधायक दल का उन्हें नेता चुन लिया है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में स्कूल के सिलेबस में बदलाव की तैयारी। पहली से आठवीं तक की किताबों में होगा संशोधन। शिक्षा मंत्री बोले, स्टूडेंट्स गलत तथ्य न पढ़ें। राजस्थान सरकार स्कूल के सिलेबस में बदलाव की तैयारी कर रही है। सबसे पहले क्लास 1 से 8 तक की किताबों में बदलाव किया जाएगा। सरकार द्वारा गठित की गई पाठ्यक्रम समीक्षा समिति की पहली बैठक में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की किताबों में विस्तार रिपोर्ट पेश करके चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री की विशेष अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि कक्षा 1 से 8वीं तक की किताबों का निर्धारण राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ऐसे में जल्दी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। अगर समिति सिफारिश करती है तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की किताबों में संशोधन होना संभव है। राजस्थान के स्कूलों में स्टूडेंट्स किसी भी तरह से गलत तथ्यों का अध्ययन नहीं करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया गया है। अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे बोली, सांप से कितना ही प्रेम कर लो जहर ही उगलेगा। लोग पीठ में सुरा घोंपने में माहिर होते हैं, सिर कटा लो लेकिन दुश्मन के सामने मत झुकना। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें बताता है कि सांप से कितना ही प्रेम कर लो, वो अपने स्वभाव के अनुरूप कभी न कभी तो आप पर जहर ही उगलेगा। और सिर कटा लो लेकिन दुश्मन के सामने कभी सिर मत झुकाओ, जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए तब तक जागते रहो। वसुंधरा राजे महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में कह रही थी। राजे ने कहा है कि बादल कुछ देर तो सूरज को अदृश्य कर सकते हैं लेकिन सूर्य की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के एक जिले में दौड़ेगी 5 नई रोडवेज बसें। ग्रामीण इलाकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान सरकार ने अपने सभी रोडवेज डिपो को नई रोडवेज बसें दे दी हैं। अब रोडवेज विभाग द्वारा प्रदेश के उन ग्रामीण इलाकों तक बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी जहां कभी बस सेवा का लाभ लोग नहीं ले पाए, जिसके तहत प्रदेश रोडवेज विभाग राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में बस सेवा उपलब्ध करवाने की पूरी तैयारी कर रही है। इन बस सेवाओं को लागू हो जाने के बाद प्रदेश के काफी ग्रामीण इलाकों को लाभ मिलने वाला है। ऐसे में राजस्थान की सूबे की बजला सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए यात्रियों को बस यात्रा का लाभ देने के लिए प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो को नई बसें उपलब्ध करवाई हैं। और इसके तहत आपको बता दें कि सिरोही में आपको बता दें कि बसें लागू की गई हैं। सिरोही रोडवेज की मुख्य प्रबंधक यशवंत राज ने बताया कि 5 नई बसें मिली हैं। बसों के लिए प्रतिदिन का संचालन भी 400 किलोमीटर जरूरी किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर भेजना। बड़ी खबर, राजस्थान को मिलेगी एक और सौगात, 500 करोड़ का होगा पूरा प्रोजेक्ट। राजस्थान के जोधपुर जिले में मेडिकल सुविधाओं का सेंटर अगले चरण में बोरावास होगा। शहर के करीब 25 किलोमीटर दूर यहां प्रदेश की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। पहले चरण में 100 करोड़ का बजट मिला है और 35% का काम भी पूरा हो चुका है। बता दें कि अगले साल यानी 2025 में इसका निर्माण पूरा होगा। खास बात यह है कि इस परिसर में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनेगा, जिससे चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी होगा। राजस्थान की दूसरी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी। 500 करोड़ का यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोजेक्ट है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, भजनलाल कैबिनेट में होंगे शामिल कई मंत्री। राजस्थान में उपचुनावों में मिली % जीत के बाद भाजपा सरकार अब मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही नए मंत्रियों को शामिल करेंगे, जिसमें उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विधायकों को जगह मिलेगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को % जीत मिलने के बाद संगठन और सरकार दोनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं 7 उपचुनाव में से 5 सीटों पर जीत मिलने के बाद विधानसभा में बीजेपी विधायकों का कुनबा भी बढ़ गया है। माना जा रहा है कि जब अब सरकार का फोकस पूरी तरह से मंत्रिमंडल फेरबदल में रहेगा, प्रदेश के विकास कार्यों पर भी रहेगा। उपचुनाव से पहले चल रही है चर्चा, परफॉर्मेंस के आधार पर होगा विस्तार।
कई विधायकों को मिलेगा तोहफा। इसमें रेवन राम डांगा को भी सांस मिल सकता है। इसके अलावा झुंझुनू में बीजेपी में 21 साल बाद मिली जीत के बाद राजेंद्र बांबू के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा है। उदयपुर की सलूमर सीट पर बीजेपी ने महिला कैंडिडेट और दिवंगत विधायक अमृतलाल की पत्नी शांता देवी को मैदान में उतारा है। महिला मंत्री के तौर पर उन्हें जगह मिल सकती है। अगली बड़ी खबर, विधायक रविंदर सिंह भाटी ने जेएन को लगाई फटकार। बोले, तुझे सरकार किस बात का पैसा देती है? शिकायत पर लोगों का फोन उठाना पड़ेगा और आना भी पड़ेगा। बाड़मेर जैसलमेर से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ग्रामीणों की बिजली से संबंधित शिकायतों को लेकर जूनियर इंजीनियर जेएन को खूब फटकार लगाई है। उन्होंने ग्रामीणों के बीच जेएन से कहा कि तुझे सरकार किस बात का पैसा देती है? लोग तुझे बुलाते हैं तो तू हॉर्न नहीं उठाता। जेएन ने सफाई दी कि मैं रोज चाहता हूँ। इस पर विधायक ने उसे लताड़ दिया। मामला बाड़मेर जिले के गडर रोड सर्किल के बालेबा के ग्रिड सब स्टेशन का है। इधर आपको बता दें कि जेएन ने कुछ लोगों पर एससी और एसटी के एक्ट की धाराओं में मामला भी दर्ज करवा लिया है। आरोप है कि विधायक के संवाद कार्यक्रम से निकलने के बाद आसाड़ी गांव के लोगों ने उसके साथ बदसुल्की और धक्का मुक्की की है। अगली बड़ी खबर, रेलवे स्टेशनों में अब रेल सेवाओं को अब नियमित गाड़ी संख्या से करेगा संचालित। रेल सेवाएं अब नियमित गाड़ी संख्या से होगी संचालित। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे द्वारा आगामी 1/2025 से लेकर 48 स्पेशल ट्रेनों को अब नियमित गाड़ी संख्या से संचालित किया जाएगा। ये एक बड़ी सौगात है। अगली बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि पर होगा मूर्ति का अनावरण। पत्नी ने कह दी बड़ी बात। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना संगठन की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी सदैव अन्याय के विरुद्ध संघर्ष रहे हैं। हमारा पूरा संगठन उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पैतृक आवास 9 DPN गोगामेडी हनुमानगढ़ में उनके समर्थकों द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, 10 गुना पेड़ लगाने की शर्त पर रेलवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। राजस्थान के हाईकोर्ट ने 10 गुना पेड़ लगाने की शर्त पर एक रेलवे ने एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये मंजूरी रेलवे की गति शक्ति योजना के तहत मल्टी कार्गो टर्मिनल के लिए दी गई है। ऐसे में सरकार ने कहा कि 5 गुना पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि 10 गुना पेड़ लगाने होंगे। अगली बड़ी खबर, राजकुमार रोत बोले, सनूमर में निर्दलियों को वोट बीजेपी में जोड़े गए, गड़बड़ियों की गई। आयोग की वेबसाइट पर भी अलग डेटा दिखाए गए। दरअसल भारतीय आदिवासी पार्टी यानी BAP की सांसद राजकुमार रोत ने कहा है कि सलूमर विधानसभा सीट के उपचुनाव में गड़बड़ियां की गई हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है। मुझे प्रत्याशी ने बताया कि मतगणना केंद्र में आखिरी की 2 राउंड में निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट को बीजेपी के उम्मीदवार के वोट में जोड़ने का काम किया गया है। सलूमर में जितेश कटारा BAP की प्रत्याशी थी, वे एक तरफ बहुमत से चुनाव जीत रहे थे। काउंटिंग के 13 और 14 राउंड के बाद मतगणना केंद्र पर देरी से करना शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी प्रत्येक राउंड के बाद जो अपडेट करना था उसे रोक दिया गया था। आयोग अपनी ही वेबसाइट पर 1 राउंड के 2 बार अलग अलग डेटा अपडेट करवा रहा था, संशोधित करके डेटा अपडेट करवा रहा था। राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया के जरिए अपना एक वीडियो जारी कर यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय की जांच होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में उपचुनाव के परिणाम के बाद अवैध कनेक्शनों को चिन्हित करके उन्हें काटने का आदेश जारी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अवैध कनेक्शनों को चिन्हित करना और उन्हें काट जाना, संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाना, अन्य सख्त कार्रवाई करने के आदेश CMO राजस्थान से मिले हैं। ऐसे अवैध कनेक्शनों के कारण वैध कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है और पानी की बर्बादी भी होती है। CMO राजस्थान की ओर से आपको बता दें कि विभाग की ओर अब इस संबंध में आदेश जारी किया गया है कि अवैध कनेक्शनों को चिन्हित करके उन्हें सीनक कार्ड देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी सौगात। 10वीं और 12वीं की परीक्षार्थी इस बार भी कर सकेंगे पर्सन बैंक से तैयारी। प्रदेश के 16 लाख छात्र होंगे लाभान्वित। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को राहत देते हुए शिक्षा विभाग ने 2024 और 2025 की परीक्षार्थियों के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर पर्सन बैंक जारी कर दिए हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के उपायुक्त की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक 10वीं कक्षा के 5 और 12वीं कक्षा के लिए 13 विषयों के पर्सन बैंक जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व बेहतर तैयारी और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पर्सन बैंक विकसित किए गए हैं। इसका सीधा सीधा लाभ बीकानेर के 77,000 और प्रदेश भर के 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, विश्वराज सिंह मेवाड़ का आज होगा राज तिलक। 452 साल पहले कुमकुम नहीं मिलने पर खून से किया गया था तिलक, अब भी तभी से रक्त से तिलक की तैयारी। दरअसल पूर्व राज परिवार सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ का आज राज तिलक किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे रखा गया है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।